स्वागत करते हैं आपका एसएसटी वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर यू कहे साल्ट मार्च या डांडी मार्च। सारे जो तीनों नाम है एक ही मूवमेंट के हैं। तो इस मूवमेंट में हुआ क्या था और ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ, तो आइए बात करते हैं उस चीज पे। तो सबसे पहली चीज जो साल्ट था, साल्ट क्या है? एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी पीपल्स के एक बेसिक नीड है। तो इस पे जो टैक्सेस जो ब्रिटिश के द्वारा लिए जाते थे वो बहुत ज्यादा थे। तो सॉल्ट पे क्या था? हाई टैक्स। तो महात्मा गांधी ने कहा जो सॉल्ट पे हाई टैक्स या फिर आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं बार बार, या फिर टैक्सेस पे जो भी ब्रिटिशर्स की मोनोपोली है, ब्रिटिशर्स की क्या है? मोनोपोली। तो उन्होंने कहा आपकी जो मोनोपोली है सॉल्ट पे या फिर जो आपका हाई टैक्सेस है सॉल्ट पे, इसको हटाइए और ऑर्डिनरी पीपल्स की लाइफ को इजी करिए। इसी के साथ महात्मा गांधी ने 11 डिमांड्स लॉर्ड इरविन के सामने रखी। जब लॉर्ड इरविन के सामने महात्मा गांधी ने 11 डिमांड्स रखी, उन्होंने कहा अगर 11 मार्च 1930 तक हमारी मांगे हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया, जो भी इनकी 11 डिमांड्स थी उसमें कुछ ऐसे थे कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, पर मेन जो था वो सॉल्ट टैक्स को लेके था। तो उन्होंने कहा अगर 11 मार्च 1930 तक लॉर्ड इरविन हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करते तो 12 मार्च 1930 को हम अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर कहें डांडी मार्च या फिर कहें सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर देंगे। पर इरविन ने डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। आइए देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 5 पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि गांधी जी ने जो अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया वो अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के थ्रू स्टार्ट किया। जब उन्होंने स्टार्ट किया 12 मार्च 1930 को, उस टाइम उनके 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स ने उनका साथ दिया, जिसमें अगर फीमेल वॉलंटियर्स में देखे तो सरोजनी नायडू मेन थी। टोटल जो इनका मोमेंट था वो 240 माइल्स का था। स्टार्ट कहां से हुआ था? साबरमती आश्रम से था कहां तक? दांडी तक। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर्स की वॉलंटियर्स ने वो टोटल 24 डेज में कवर की 10 माइल्स अ डे। जहां भी महात्मा गांधी जाते थे या फिर जहां भी महात्मा गांधी रुकते थे, हजारों मैन और वोमेन अपने घर से बाहर निकल आते थे महात्मा गांधी को सुनने के लिए, और महात्मा गांधी उन्हें अपने नॉन वॉयलेंस और स्वराज के बारे में बताते थे। 6 अप्रैल 1930 को सारे वॉलंटियर्स और महात्मा गांधी दांडी पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके ओशन वाटर को हेल्प से। ओशन वाटर लिया, बॉयल किया, सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। यही हमारा क्या है? सॉल्ट मार्च या फिर आप कहें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे लोग रिस्पॉन्ड कैसे आए मूवमेंट के टाइम पे, उसके बाद बात करेंगे डिफरेंसेस की। तो पहला पॉइंट देखते हैं लोगों ने रिस्पॉन्ड कैसे किया। तो लोगों ने कॉलोनियल रूल को ब्रेक करना शुरू कर दिया। जैसा कि हमने एनसीएम में देखा था सिर्फ लोग कॉपरेट नहीं कर रहे थे, पर यहाँ पे लोगों ने लॉज ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। प्लस जैसे महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके, तो कंट्री में थाउजेंड्स लोग ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना शुरू किया। प्लस फॉरेन क्लॉज बॉयकॉट किए जाने शुरू किए गए, लिकर शॉप तोड़ी जाने शुरू की, पीजेंट्स ने रिवेन्यू देने से मना कर दिया। प्लस चौकीदारी टैक्स आप देख सकते हैं नया टाइप का आपको टैक्स दिख रहा होगा। तो चौकीदारी टैक्स होता था जैसे पुलिस वाले भी एक टाइप का टैक्स लेते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हर जगह अपनी एक चौकियां एस्टैब्लिश की थी तो वो भी एक टाइप का टैक्स लेते थे, तो वो टैक्स देने से मना कर दिया। जितने भी विलेज ऑफिशियल्स थे जो इंडियन ऑफिशियल्स से विलेज में अपॉइंट थे एज अ जमींदार या फिर एज अ टैक्स कलेक्टर, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। फॉरेस्ट के लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया, फॉरेस्ट में एंट्री कर ली, क्योंकि हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया था, एंट्री बंद थी। तो फॉरेस्ट के लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया, फ्यूल वुड कलेक्ट किया, अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए ले गए। इस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया सीडीएम में। अब देखते हैं सीडीएम और एनसीएम में डिफरेंस क्या है, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो पहला डिफरेंस देखते हैं सीडीएम स्टार्ट कब हुआ था, 1930s में। नॉन कॉपरेशन कब स्टार्ट हुआ, 1920 में। सीडीएम क्या था? एक एक्टिव मूवमेंट था। नॉन कॉपरेशन क्या था? एक पैसिव मूवमेंट था।
सीडीएम में अगर हम देखें तो लोगों ने कॉलोनियल जो रूल बने थे, जो लॉज कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए थे, उसको डिसोबे किया, उसको मानने से मना कर दिया। पर नॉन कॉपरेशन में सिर्फ वो कॉलोनियल गवर्नमेंट से कॉपरेट नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं कि उनके बनाए हुए रूल्स को ब्रेक कर रहे थे। सीडीएम में देखा हमने कि वुमेन का पार्टिसिपेशन लार्ज स्केल्स पे था। सरोजिनी नायडू, मैंने आपको पहले ही बताया, मेन लीडर थी सीडीएम के टाइम पे, और वुमेन भी आती थी महात्मा गांधी को सुनने के लिए, उन्होंने भी सॉल्ट बना के सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। पर नॉन कॉपरेशन में वुमेन का पार्टिसिपेशन लिमिटेड था, मतलब वुमेन का पार्टिसिपेशन था ही नहीं समझ लो। सीडीएम जो बंद हुआ वो 1931 में हुआ, क्यों हुआ आगे पढ़ेंगे हम। एनसीएम जो बंद हुआ वो 1922 में बंद हुआ, रीजन आपको पता है, चौरी चौरा इंसिडेंट। सीडीएम क्या था, एक सीडीएम में लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया, पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऐसा कोई टैक्स कंपेन नहीं चलाया गया। ये हमारे 6 पॉइंट के डिफरेंस होंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ये कई बार बोर्ड्स में आ चुका है 5 मार्क्स में, जिसको बहुत अच्छे से पढ़िए, लिखिए और याद करिए। अब आगे देखते हैं कि सीडीएम जब बंद हुआ रीजन क्या था, उसके बाद क्या हुआ। तो मोमेंट जो हमारा सीडीएम था वो कॉल्ड ऑफ हुआ 1931 में, उसके रीजंस 2 पॉइंट में। पेशावर में अब्दुल गफ्फार खान, जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे, उनको अरेस्ट किया गया, जिनके अरेस्ट होने के बाद एग्री क्राउड क्या हुआ, रोड पे आ गया और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ने लगा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स पर अटैक करने लगा। उसी के बाद सोलापुर के पास महात्मा गांधी अरेस्ट जब हो गए, सोलापुर के इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स थे वो भी रोड पे आ गए, म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग तोड़ दिया, लॉ कोर्ट्स तोड़ दिए, पुलिस वालों को मारा। तो जब मोमेंट पीसफुल ना हो के वायलेंट हो जाएगा, यही सेम सिचुएशन हो गई थी नॉन कॉपरेशन में, तो महात्मा गांधी क्या करेंगे, मोमेंट को कॉल्ड ऑफ। तो यहां भी महात्मा गांधी ने जब देखा कि मोमेंट जो है वायलेंट हो चुका है, पीसफुल नहीं रह गया है, तो मोमेंट को उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया। और कॉल्ड ऑफ करते ही उन्होंने लॉर्ड अरविन, उस टाइम के वायसराय थे, उनसे एक पैक्ट साइन किया। आइए देखते हैं गांधी अरविन पैक्ट क्या था। तो ये बात करते हैं गांधी अरविन पैक्ट। तो गांधी अरविन जो पैक्ट था वो साइन हुआ था 5 मार्च 1930, गांधी जी और लॉर्ड अरविन उस टाइम के वायसराय थे। इसमें हुआ क्या कि महात्मा गांधी ने कहा, चलिए हम ठीक है, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑलरेडी कांग्रेस ने 1929 वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट किया था, तो ये 1930s में हमारा दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, तीसरा था 1931 में। इन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने, कि चलिए हम आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इस पे एग्री किया कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे अरेस्ट किए थे, उनको वो रिलीज करेंगे। गवर्नमेंट ने यह भी परमिशन दी कि आप सॉल्ट बनाइए कुछ एरियाज के आसपास, पर एक फिक्स बाउंड्री में, उससे ज्यादा नहीं। तो महात्मा गांधी भी एग्री हो गए कि हम मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करेंगे। तो महात्मा गांधी जब 1931 वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें बी आर अम्बेडकर अपनी रिजर्व इलेक्टोरेट सीट SC ST के लिए रिजर्व सीट की मांग करते हैं, जिसपे ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री कर जाती है। उसी के साथ महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अपना, कह सकते हो, ह्यूमिलेशन, अपनी बेइज्जती समझते हैं और उस पर छोड़ के चले आते हैं। जब महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के चले आते हैं, तो वो अपना एक फिर से सीडीएम स्टार्ट करते हैं ईयर 1933 में, जो कि बंद होता है फिर 1934 में। तो 1933 में महात्मा गांधी ने वापस से सीडीएम को स्टार्ट किया है, पर वापस से 1934 में बंद हो जाता है, क्योंकि इस बार उतनी पॉपुलरिटी इनको नहीं मिल पाती। तो ये था गांधी आयरविन पैक्ट। अगले वीडियो में, या फिर अगले वीडियो में देखेंगे हम कि सीडीएम पे लोगों ने रिस्पॉन्ड कैसे किया।